दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत ज़िलों में से एक ज़िला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में। हम सभी जानते हैं ज़िला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र 15 विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें, त्रिगर्त रियासत के नाम से मशहूर वर्तमान में ज़िला कांगड़ा, हम सभी जानते हैं त्रिगर्त रियासत की स्थापना भूमिचंद ने महाभारत युद्ध से भी पहले की थी, जिन्होंने अपनी राजधानी मुल्तान पाकिस्तान में रखी थी। और उसके बाद सुशर्मा इन्हीं की पीढ़ी के 234वें राजा, जिन्होंने अपनी राजधानी कांगड़ा में स्थापित की और उन्होंने कांगड़ा किले का निर्माण भी किया। और कांगड़ा का जो पुरातन नाम नगरकोट कांगड़ा को कहा जाता है। और जो दानव राक्षस था जिसको कि भगवान शिव जी ने मारा था, उसके जहाँ जिस जगह पे उसके कान गिरे थे अभी वर्तमान में उस जगह का नाम बाद में कांगड़ा कहलाया। और त्रिगर्त का मतलब होता है तीन नदियों के बीचों बीच का जो क्षेत्र था, राबी, ब्यास और सतलुज, और बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। त्रिगर्त रियासत हम एक तरह से कह सकते हैं नगरकोट प्लस जालंधर। नगरकोट मानो अभी हम उसे कांगड़ा शहर के नाम से जानते हैं, जालंधर तो दानव राक्षस जालंधर जिसे शिव जी ने मारा था उसके नाम पे। जालंधर का नाम तो वर्तमान में भी जालंधर ही है, लेकिन कांगड़ा का नाम पहले नगरकोट था। तो दोस्तों सुशर्मा जो है जो राजा थे इन्हीं की पीढ़ी के, भूमिचंद की पीढ़ी के, इन्होंने कांगड़ा शहर की स्थापना की। और कटोच वंश के जो है संस्थापक भी सुशर्मा माने जाते हैं। महाभारत में इन्होंने कर्बों का साथ दिया। सुशर्मा कांगड़ा शहर की स्थापना इन्होंने की। और हम सभी जानते ही हैं भीमकोट, भीमनगर, सुशर्मापुर के नाम से भी कांगड़ा शहर को जाना जाता है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। हिमाचल प्रदेश के जिले के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। जिला मुख्यालय धर्मशाला। जनघनत्व 263,211 जनगणना के अनुसार हम आपको ये डाटा बता रहे हैं। साक्षरता दर 86.49%। कुल क्षेत्रफल 5,749 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 15 लाख के करीब। विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 15। लिंग अनुपात बहुत ही अच्छा, 1,013 पर 1,000 गर्ल, एज वी नो दैट। दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं, दर्रे और चोटियां यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती है, जैसे कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला, चोलांग, हनुमान टीबा, मकोड़ी जो दर्रा, तामसर दर्रा, इंद्रा दर्रा। चोलांग पर्वत शिखर है और हनुमान टीबा यहाँ की चोटी है। और बेदी खूबसूरत प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें यहाँ पे झीले हैं, जैसे कि डल और क्रेरी प्राकृतिक झीलें हैं। पोंग झील जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। कृत्रिम झील ये है, यहाँ ये इरीगेशन, एग्रीकल्चरल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मछली पालन भी यहाँ पर होता है और काफ़ी जो है विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। नदियाँ, ब्यास नदी यहाँ की मुख्य नदी है। ब्यास नदी रोहतांग से निकलकर कुल्लू मंडी के बाद पालमपुर तहसील के संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ब्यास नदी नदौन से होते हुए मिर्थल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब गुरदासपुर में प्रवेश करती है। और बैजनाथ की पहाड़ियों से निकलने वाली भिनभा नदी संदोल में ब्यास से मिलती है। न्यूगल नदी सुजानपुर टीरा के पास ब्यास में मिलती है। और देहर और चक्कीखड कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाती है। ब्यास नदी की जो ट्रिब्यूटरी है भिनभा, न्यूगल और बाणगंगा, तो ब्यास नदी ही यहाँ की जो एक महत्वपूर्ण नदी है। अगर हम बात करें मंदिरों की, हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ और पूरे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ, जहाँ पे हम सभी जानते हैं माता शक्ति के जो बॉडी पार्ट्स गिरे थे। मसरूर रॉकट मंदिर जिसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है, जिला कांगड़ा में है। शिव मंदिर बैजनाथ जिसकी स्थापना 1204 ईस्वी में की गई थी, कंस्ट्रक्शन इसकी 1204 ईस्वी में की गई थी। नागर शैली का ये मंदिर बना हुआ है। जब
लंका में तीनों लोकों में राज करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत जाकर शिव जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। शिव जी खुश हुए। रावण ने अपने दसों सिर शिव जी को दान किए थे। जब शिव जी खुश हुए तो रावण ने जब वरदान मांगा कि आप स्वयं मेरे साथ लंका जाओगे, शिवलिंग के रूप में जब रावण के साथ भगवान शिव चल पड़े तो बैजनाथ में लघुशंका उन्हें जाना पड़ा, तो उन्होंने शिवलिंग को एक गडरिये के पास दिया। शिवलिंग इतना भारी था कि गडरिये ने उसे नीचे रख दिया। जब लघुशंका करके रावण वापिस आया तो उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो शिवलिंग तस से मस ना हिला, वो बिल्कुल वहीं पे चिपक गया। तो इसलिए फिर बाद में वहाँ पे रावण को पता चल गया कि भगवान शिव जी की ही लीला है। उन्होंने बाद में यहाँ पे मंदिर की स्थापना की और भगवान शिव ने कहा था कि शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर मत रखना, लेकिन क्या करें, लघुशंका के कारण उन्हें वहाँ पे उसे रखना पड़ा। ज्वाला जी जहाँ पे माता सती की जलती हुई जीभ गिरी हुई है इतिहास पुरानी कथाओं के अनुसार, और ब्रजेश्वरी में दायना दक्ष माता सती का गिरा हुआ, इसलिए दो महत्वपूर्ण शक्तिपीठ जिला कांगड़ा में हमें देखने को मिलते हैं। बगलामुखी माता मंदिर, चामुंडा देवी, गंगा माता और धर्मशाला के कुल देवता इंद्रुनाग, ये महत्वपूर्ण मंदिर हमारे को जिला कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल मैकरोलगंज, धर्मशाला, इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग साइट बीरबिलिंग, पालमपुर, बैजनाथ, त्रियुंत ट्रैक, हरिपुर, इंद्राहरदरा और नूरपुर। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी पठानकोट थी और नूरपुर प्लस पठानकोट इनको ओटुम्बर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना जेठपाल ने 1000 ईस्वी में की थी। ओटुम्बर चार जनपदों में से एक, कुलिंद, कुलत, त्रिगर्त और ओटुम्बर हम सभी जानते ही है। और दोस्तों बेदी खूबसूरत ये हमारा जिला जहाँ का जो है लोकनाट्य भक्तू है और हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो हम सभी जानते ही है, नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में है, जैसे कि पोंग जल विद्युत परियोजना 396 मेगावाट जिसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चला रहा है, ये राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल का उपक्रम है और हम सभी जानते ही है। आरामसर बैटलैंड साइट में इसको दर्जा मिला हुआ है। 42 आरामसर कन्वेंशन सम्मेलन बैटलैंड कंजर्वेशन साइट सभी इंडिया में है, उसमें इसको जगह मिली हुई है। बनेर जल विद्युत परियोजना 12 मेगावाट। और दोस्तों उसके बाद हमारे पास गज जल विद्युत परियोजना 10.95%, ये भी 2.25% मेगावाट, ये भी जिला कांगड़ा में हमें देखने को मिलती है। मुख्य पैदावार है जैसे कि गेहूं और धान काफ़ी बल्क अमाउंट में जिला कांगड़ा में होता है। बिल्कुल मैदानी जगह मानो पंजाब की तरह आपको देखने को मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, मुगलों ने यहाँ पे काफ़ी लूट मार की, राज किया, यहाँ के मंदिरों को प्लंडर किया, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर में जो 1300 संस्कृत की पुस्तकें उन्हें फारसी में अनुवाद किया उनको जानने की कोशिश की, यहाँ की धन दौलत को लूटा। कांगड़ा के इतिहास में ससार चंद सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। धर्मशाला को छोटा तिब्बत छोटा लियासा भी कहा जाता है। बाद में अंग्रेजों ने 1846 में मुख्यालय धर्मशाला स्थानांतरित किया और लॉर्ड मैकलोड ने धर्मशाला की स्थापना की। तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी धर्मशाला में है और 1959 ईस्वी में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो धर्मशाला आए थे। सेंट जॉन्स चर्च हिमाचल का सबसे पुराना चर्च, ये भी धर्मशाला में है। धर्मशाला म्यूजियम 1992 में जिसकी स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारी बारिश 350 सेंटीमीटर धर्मशाला में होती है। HB वॉस जिसकी स्थापना 1969 में पहले शिमला में था, फिर बाद में 1983 में धर्मशाला में स्थानांतरित हुआ। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज 1996, कृषि विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक कॉलेज 1978, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 धर्मशाला में इसकी स्थापना हुई। MS रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग और JC ब्रांच ने सार चंद ऑफ कांगड़ा की किताब लिखी। इंटरनेशनल बीर बिल्डिंग साइट जहाँ पे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2015 में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, बहुत ही खूबसूरत पैराग्लाइडिंग साइट है और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने देश विदेश से काफ़ी जो पायलट्स आते हैं और 2015 में भी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में 100 से ज़्यादा पायलट्स ने यहाँ पे भाग लिया था। ये थी हमारी खूबसूरत जो है कुछ रोचक तथ्य
हमारे धर्मशाला कांगड़ा के बारे में, और हिमाचल प्रदेश में एवरेज बारिश जो है सबसे ज़्यादा जो धर्मशाला में होती है और सबसे कम लाहौल स्पीति में, हम सभी जानते ही है। तो जिस ये था हमारा खूबसूरत जिला कांगड़ा, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई। धन्यवाद।